नमस्ते, लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। कढ़ी हम कई तरह की बनाते हैं, कढ़ी पकौड़ा, पालक पकौड़ा कढ़ी और सिंधी कढ़ी। कढ़ी पकौड़ा और पालक पकौड़ा कढ़ी की रेसिपीज आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज बनाते हैं सिंधी कढ़ी, तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं सिंधी कढ़ी। सिंधी कढ़ी सब्जियों से भरपूर बहुत ही मसालेदार टेस्टी कढ़ी होती है। तो इसके लिए हम शुरू में, ये मेरे पास 4 टेबल स्पून ऑयल है, इसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। कढ़ाई के नीचे गैस ऑन करेंगे। ऑयल अच्छा तेज गर्म हो गया है, गैस को हम कम कर देंगे। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज आलू हैं, इन्हें मैंने छील कर वॉश करके लंबाई में काट लिया है, तो इनको मैं ऑयल में ऐड कर दूंगा। इनको हाफ फ्राई करना है, पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक फ्राई नहीं करना है। मैं सिंधी कढ़ी मस्टर्ड ऑयल में बनाना पसंद करती हूँ, आप जिस ऑयल में भी चाहें बना सकते हैं और देसी घी में भी बना सकते हैं। गैस को मीडियम कर देंगे। आलूओं का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मेरे पास एक गाजर लंबाई में कटी हुई है, इसको भी मैं इस कढ़ाई में फ्राई कर लूंगी। गाजरें भी हाफ फ्राई हो चुकी हैं, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये मेरे पास 10 से 15 गवारे की फली हैं, इनको भी मैं फ्राई कर लूंगी। इस कढ़ी में आप अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं, भिंडी डाल सकते हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं, सीताफल डाल सकते हैं, जो भी आप सब्जियाँ लाइक करते हो वो आप डाल सकते हैं। गवारे की फली फ्राई हो चुकी है, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने 6 फ्रेंच बीन लिए, इनको 2 इंच के टुकड़ों में काट लिया है, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंच बीन्स को भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास ऑयल बचा है कढ़ाई में, इसमें मैं 1 टीस्पून राई डालूंगी। राई को चिटकने देंगे। राई ने चिटकना बंद कर दिया है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। सारा मसाला रोस्ट हो चुका है, अब हम इसमें 10 करी पत्ते ऐड करेंगे। तड़के में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मेरे पास 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। गैस सिम पर रखेंगे। ये 2 टेबल स्पून बेसन है, बेसन को कढ़ाई में डाल देंगे। इसको बराबर चलाते हुए भूनेंगे। गैस की फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे। बेसन का कलर चेंज होने लगा है, गैस सिम पर कर देंगे। बेसन भून चुका है, अब मेरे पास ये 3 कप गर्म पानी है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बराबर चलाते रहेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें कोई लंप ना पड़े। कढ़ाई के नीचे गैस ऑन कर देंगे।
ये मेरे पास 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 1/2 कप हरी मटर के दाने डाल देंगे। और ये मेरे पास 12 ड्रम स्टिक के 2-2 इंच के पीसीज हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, इसको भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चलाते हुए पकाएंगे, गैस लो टू मीडियम रखेंगे। कढ़ी को पकते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैं 2 मीडियम साइज टमाटर पिसे हुए ऐड कर दूंगी। अब इसमें जो हमने सब्जियां फ्राई की थी वो डाल देंगे। ये मेरे पास छोटे लेमन साइज इमली का पल्प है, उसको मैंने भिगो दिया था और फिर उसको मैश करके पल्प बना लिया है, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब कढ़ी को कम फ्लेम पर पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। कढ़ी को सब्जी ऐड करने के बाद पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। कढ़ी गाढ़ी होने लगी है। मेरे पास ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। कढ़ी को धीमी धीमी पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और कढ़ी काफ़ी थिक हो चुकी है, सब्जियां पूरी तरह से गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो हमारी सिंधी कढ़ी बनकर तैयार है। मेरे सारे घर में बहुत अच्छी खुशबू भरी हुई है। मेरी पड़ोसन कई बार आकर पूछ चुकी कि आज आप क्या बना रहे हैं। गैस ऑफ कर देंगे। इस कढ़ी को आप चावल के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। चावल के साथ तो ये कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो सिंधी कढ़ी आप भी ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कीजिए। सिंधी कढ़ी देखने के लिए आपका धन्यवाद।